और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुंबई के करीब बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ट्रेन में फायरिंग हुई है। ये ट्रेन जयपुर मुंबई सुपर फास्ट ट्रेन है। ट्रेन की बोगी में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ये ट्रेन गुजरात से मुंबई की तरफ आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का ASI और 3 पैसेंजर्स शामिल हैं। बताया गया कि ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:30 बजे के करीब फायरिंग हुई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी है। गोलीबारी की यह घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई है और मीरा रोड बोरीवली के बीच GRP मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से ही फायरिंग की। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पैसेंजर्स बताए जा रहे हैं जबकि एक आरपीएफ का ASI है, वहीं एक पैंट्री कार चालक भी है। और ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं चौंका देती है। हालांकि DRM नीरज वर्मा की ओर से साफ तौर पर ये जानकारी दी गई है कि जो मरने वाले हैं उनके परिजनों को इत्तला कर दी गई है और साथ साथ उन्हें बाकायदा एक्स ग्रीशिया यानी कि मुआवजा भी दिया जाएगा। ट्रेन के B5 कोच में ये फायरिंग हुई है लगभग 6:45 बजे की घटना। तो सुबह सवेरे की घटना जहां पर ट्रेन के अंदर फायरिंग हुई है, जिस पर अब लगातार जांच की जा रही है। तो इस दर्दनाक घटना पर वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठक्कर का कहना है कि आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटना में जिन यात्रियों की मौत हो गई है उनकी लगातार पहचान की जा रही है। जो ASI है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनके अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है 4 बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने शूटिंग की थी। फिर उसे जो भेंदर की टीम थी, आरपीएफ भेंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। तो सुबह सवेरे की यह दर्दनाक घटना, सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर वो ट्रेन अभी फिलहाल मौजूद है। विवेक, शुरुआत तस्वीरों के साथ कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का B5 कोच है। इसी कोच के अंदर आरोपी आरपीएफ का जो कांस्टेबल आरोपी चेतन ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, अपने सोफिस्टिकेटेड राइफल के साथ फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 पैसेंजर हैं और एक आरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI है। पूरी बॉगी को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कॉर्डन ऑफ करने के बाद बकायदा यहाँ पे आरपीएफ के लोग खड़े हैं और साफ तौर पर ये देखिए, विजुअल साफ तौर में दिखेगा कि फायरिंग किस तरीके से हुई है, यानी कि लगातार फायरिंग हो रही थी। जो गेट है जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट का जो गेट है, वहां पर भी गोलियों को निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति बनी होगी, जब गोलीबारी शुरू हुई होगी तो जो विक्टिम्स है वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे, दरवाजे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आरोपी ने उनका पीछा कर लगातार उन पर फायरिंग करता रहा और फायरिंग करने के बाद बकायदा चैन पुलिंग करके वो उतरने की कोशिश कर रहा था। देखिए, अंदर बकायदा पुलिस ने पूरी ट्रेन को सीज कर दिया है। अंदर विटनेस जो 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 सबूत हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए बकायदा पूरी ट्रेन को बंद कर दिया गया है। पूरी ट्रेन जो है इस समय मुंबई सेंट्रल पे खड़ी हुई है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन था उसका वो मुंबई सेंट्रल था। और जितने भी AC के दरवाजे हैं उन सब पर पुलिस वाले तैनात हैं, सबको बंद कर दिया गया है। अब समझ में आ रहा है कि जो 4 लोग की मौत हुई है उसमें 3 पैसेंजर हैं, एक आरपीएफ का ASI है। शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि ASI और पुलिस कांस्टेबल आरोपी के बीच में झगड़े हुए थे। झगड़ा हाथापाई तक पहुंचा। हाथापाई के बाद गुस्से में आरोपी चेतन जो आरपीएफ का कांस्टेबल है उसने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें एक आरपीएफ के ASI की मौत हो चुकी है, 3 पैसेंजर की डेथ हो चुकी है। फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए और क्या कुछ हुआ है ये भी बताते रहिए, लेकिन साथ साथ आपसे विवेक ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई क्या वहां पर कोई चश्मदीद मौजूद था, किस बात को लेकर ये लड़ाई हुई है, और जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है? देखिए, ये जो पूरी ट्रेन थी वो जयपुर से चलकर मुंबई सेंट्रल की तरफ आई थी और मुंबई सेंट्रल का लास्ट डेस्टिनेशन था। अमूमन जो है इस ट्रेन के जो मैक्सिमम पैसेंजर है वो बोरीवली में उतर जाते हैं।
कुछ पैसेंजर इधर मुंबई सेंट्रल तक आते हैं, जितने पैसेंजर है सबको उतार लिया गया है, लेकिन जो B5 कोच है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि जो B5 का कोच है वहां पे जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उनके अंदर जो उनके जो पैसेंजर थे उन लोगों से साथ पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार एग्जैक्टली अंदर हुआ क्या था। सुबह 5:23 पर ऐसा क्या घटा इस ट्रेन के अंदर कि कांस्टेबल ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग शुरू करने के बाद उसने भागने की कोशिश भी की लेकिन चेन पुलिंग करने से पहले ही बोरीवली पे उसे पकड़ लिया गया। जीआरपी और आरपीएफ के जो लोग हैं वो आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये कितने बजे की घटना कुछ बता सकते हैं? नहीं कुछ नहीं बता सकते। तो ट्रेन के दरवाजे मतलब जांच अभी ट्रेन के अंदर चल रही है क्या? एफएसएल की टीम या कोई टीम अंदर आई है? चालू है, जांच चालू है। ओके, पूरी ट्रेन से मतलब इसी में फायरिंग हुई थी कि और कोई कोच में भी फायरिंग हुई थी? बाकी कोचेस में फायरिंग, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, खाली मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, B5 में फायरिंग हुई थी कि और भी कोचेस में फायरिंग हुई? नहीं पता नहीं। तीन कोचेस में। कौन कौन से कोच में सर? तीनों एसी है। C6 में यानी झगड़ा हुआ। ये देखिए नई चीज सामने आ रही है, मुझे आपको बताना चाहेंगे कि पेंट्री कार से ये फायरिंग शुरू हुई थी, C6 में फायरिंग हुई, उसके बाद B6 में, यानी कि जो झगड़ा था वो बताया जा रहा है कि काफी देर पहले शुरू था, यानी पूरी ट्रेन के 3 बॉगी में फायरिंग हुई है, उसमें पेंट्री कार थी, फिर जनरल कोच था, फिर जाके B6 में हमने आपको गोली को निशान भी दिखाया, B6 में जाके सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी और उसमें 3 लोग की मौत हो चुकी है। विवेक, क्योंकि शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि जो आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं थी, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर स्थिति ठीक नहीं थी तो आखिर क्यों जो है उसे अपॉइंट किया गया था, और अभी जो है वो फिलहाल ऑन ड्यूटी पर क्यों था, उसके पास रिवॉल्वर क्यों मौजूद थी? देखिए ये काफी ज्यादा शुरुआती प्राइमरी फेस ही ये बताया जा रहा है कि मेंटल स्टेटस उसका ठीक नहीं था, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल एजेंसीज के जो लोग होते हैं आरपीएफ होते हैं, जब भी उनकी डिप्लॉयमेंट होती है खासकर ये इंपॉर्टेंट जगह पर, ये ट्रेन कोई छोटी मोटी ट्रेन नहीं है, ये मुंबई जयपुर की सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, VIP ट्रेनों में ये ट्रेन गिनी जाती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए आरपीएफ के तैनात जवान इसमें मौजूद रहते हैं, उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी या नहीं ठीक थी वो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से जिस समय ऑफिसर से बता रहे थे कि 3 कोचेस में फायरिंग हुई है, पेंट्री कार में फायरिंग हुई है, एक जनरल कोच में फायरिंग हुई है, उसके बाद इस कोच में B5 में फायरिंग हुई है, यानी कि 3 कोचेस में जो फायरिंग हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े होता है कि आखिरकार 3 कोचेस में लगातार फायरिंग क्यों हुई थी। ठीक है विवेक, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बता दें, ये ट्रेन में फायरिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट है। खबर यह है कि आरोपी चेतन अपने ट्रांसफर से बेहद ही नाराज चल रहा था, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है नाराज